हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूथ इंडियन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो कि नई वैकेंसी से संबंधित है। नई भर्ती निकल आई है दोस्तों हरियाणा में। आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगे 8 मार्च से। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए दोस्तों, आज की न्यूज है ये। विज्ञापन संख्या 3/2019, प्रकाशन की तिथि 2/3/2019। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि है 8 मार्च 2019। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है 8 अप्रैल 2019 और फीस जमा करने की अंतिम तिथि होगी 11 अप्रैल 2019। तो दोस्तों, 8 मार्च से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएंगे। कौन कौन सी भर्ती है डिटेल में आपको बताऊंगा, क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई है सभी के लिए दोस्तों। ये 10वीं प्लस 2 BA जितनी भी आपने डिग्री कर रखी है सभी के लिए है। हरियाणा राज्य चयन कर्मचारी की वेबसाइट का उपयोग कर पदों के निम्न दर्शाए वर्गों की सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवारों को निर्देशों की जाँच करने के पश्चात ही आवेदन प्रपत्र भरना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन 8 मार्च से 8 अप्रैल को 12 बजे तक भरे जाएंगे। तो दोस्तों, ये है कौन कौन सी है पद, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, PWD B&R हरियाणा, नो पोस्ट है, चार्ज मैन जिसमें जनरल की 4 SC की, 2 BCA की, 1 BCB की, 1 ESM जनरल की, 1 टोटल है नो पोस्ट। इसमें दोस्तों RTI जो ITI है, ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैकेनिकल डीजल या मैकेनिकल मोटर व्हीकल या फिटर से या वेल्डर से या मैकेनिक से या टर्नर से, और 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए एनी ऑटो वर्कशॉप में, और एज होनी चाहिए 17 से 42 वर्ष, और दोस्तों पे सैलरी बहुत ही अच्छी है। फिर है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में दोस्तों जनरल की 4 पोस्ट है, 80 की, 2 BCA की, 1 BCB की, 1 ESM जनरल की, 1 टोटल 9 है। इसमें दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए, RTI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेड ऑफ मोटर मैकेनिक नेशनल जो NCVT के रिगार्डिंग आता है सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, ऑटो इलेक्ट्रोशियन ट्रेड, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, और 10 पोस्ट है सुपरवाइजर की 10 पोस्ट है। मैट्रिक होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मोटर मैकेनिक व्हीकल, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 17 से 42 एज होनी चाहिए। नो पोस्ट ब्लैक स्मिथ की नो पोस्ट है, मैट्रिक पास होना चाहिए और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 14 पोस्ट वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर की है, जनरल की जो है 8 पोस्ट, BCA की 2 BCB की 2 और SC की 3, ESM जनरल की 2, टोटल हो जाती है 14। मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत, ITI सर्टिफिकेट, वेल्डर टर्नर या मैकेनिस्ट, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और 11 पोस्ट है चार्जमैन हैवी प्लांट, जिसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ITI होना चाहिए, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड्स, और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। 5 पोस्ट मैकेनिक टूल ऑपरेटर है मैकेनिक, इसमें भी दोस्तों मैट्रिक विद ITI होना चाहिए, वेल्डर या मैकेनिस्ट या टर्नर ट्रेड से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नो पोस्ट मांगी गई है चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, ये री एडवर्टाइज्ड है दोस्तों, इसमें मैट्रिक होना चाहिए और ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। 5 पोस्ट है चार्जमैन एयर कंडीशनिंग एंड रिफ्रिजरेशन, जनरल की 3 SC की, 1 BCA की, 1 टोटल 5, मैट्रिक होना चाहिए विद हिंदी और ITI होनी चाहिए रिफ्रिजरेशन एंड अदर, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। 2 पोस्ट है मोटर विंडिंग, री एडवर्टाइज है ये, मैट्रिक पास होना चाहिए हिंदी और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 2 पोस्ट है लेफ्ट ऑपरेटर, इसमें 10वीं पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 1 पोस्ट है जनरेटर ऑपरेटर में दोस्तों 1 पोस्ट है जनरल की, मैट्रिक पास, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 पोस्ट है मैकेनिक एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, मैट्रिक पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 6 पोस्ट है असिस्टेंट अकाउंटेंट, जनरल की 3 SC की, 1 BCA की, 1 ESM जनरल की, 1, इसमें दोस्तों BCOM लेटेस्ट 2 डिवीजन विद मिनिमम 5 ईयर रिलेटिव एक्सपीरियंस, BCOM होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए अकाउंटेंट या लिमिटेड कंपनी से, और दोस्तों MCOM वाला भी इसमें शामिल हो सकता है और 2 साल का एक्सपीरियंस उसके पास होना चाहिए। 1 पोस्ट ड्राफ्ट मैन प्लानिंग, इसमें दोस्तों
ड्राफ्ट्समैनशिप सिविल का 3 साल का जो है डिप्लोमा होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। वन पोस्ट पाइप फिटर मैट्रिक होना चाहिए, सर्टिफिकेट फिटर या प्लम्बर में से एक होना चाहिए आपके पास आईटीआई का। 8 पोस्ट है लीगल असिस्टेंट, इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 2 डिवीज़न LLB प्रोफेशनिंग होनी चाहिए, हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। LLB मांगी गई है दोस्तों, प्रोफेशनल कोर्स है ये आपको पता है। पोस्ट असिस्टेंट प्रोग्रामर 18 नंबर कैटेगरी है, वन पोस्ट है, इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान होना चाहिए। 3 पोस्ट है रिसेप्शन PBX ऑपरेटर री एडवर्टाइज है, ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए और टेलीफोन अटेंड करना होगा इसमें। ऑपरेटर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इसमें। पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर, इसमें 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, 1st डिवीज़न और सिविल मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान भी होना चाहिए। फिर है दोस्तों ये देखिएगा, 4 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर की, जिसमें 3 ईयर्स डिप्लोमा 1st डिवीज़न से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर विद मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या BE इलेक्ट्रिकल AMI इलेक्ट्रिकल भी चल सकती है। 6 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ई-स्टेट री एडवर्टाइज है, ग्रेजुएशन इन आर्ट साइंस कॉमर्स मिनिमम 2 ईयर्स डिवीज़न एंड LLB हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी LLB चल सकती है नो प्रॉब्लम। 1 पोस्ट ट्रेसर, ट्रेसर की 1 पोस्ट है दोस्तों, इसमें मैट्रिक भी 2 साल का ITI सर्टिफिकेट ड्राफ्ट्समैन का होना चाहिए, 4 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। 2 पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर, सेक्शन ऑफिसर की 2 पोस्ट है 80 कैटेगरी की, इसमें दोस्तों कॉमर्स ग्रेजुएट विद एडवर्टाइज विद एडवांस्ड अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है अकाउंट में। 2 पोस्ट है सब डिवीज़न जनरेटर अटेंड, सब डिवीज़न जनरेटर अटेंड, जनरल की 1, BC1 की ए, BCA की 1, सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड एक्सपीरियंस 2 साल का। और 49 पोस्ट है सेल्समैन की, सेल्समैन की दोस्तों 49 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों। और जनरल की 25, BCA की 6, BCB की 4, 80 की 10 और ESM की 2, ESM BCA की 1, ESM BCB की 1, टोटल 49, PHCOH की 1 है। मैट्रिक पास होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी और संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए और सैलरी देख सकते हैं दोस्तों, पे सैलरी 19,900 और उम्र 17 से 42 साल। दोस्तों अगर 10वीं पास है कोई आपका दोस्त तो सेल्समैन के लिए अप्लाई कर सकता है। 27 पोस्ट है असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर, ऑफिसर तो दोस्तों इसमें BSc एग्रीकल्चर विद हाई 2nd डिवीज़न, MSc भी चल सकता है एग्रीकल्चर से विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट ब्रेंडिंग। और दोस्तों ITI का भी ज्ञान होना चाहिए इसमें 2 साल का, अगर आपके पास अलग से है तो। 10 पोस्ट है जूनियर मैकेनिक की, ITI डिप्लोमा होना चाहिए क्वालिफिकेशन टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। 6 पोस्ट है स्टोर क्लर्क, स्टोर क्लर्क की देखिए दोस्तों, मैट्रिकुलेट 1 ईयर एक्सपीरियंस फॉर स्टोर होल्डिंग, स्टोर अकाउंटिंग, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। इसमें दोस्तों जनरल की 4 है, SC की 1 है, BCB की 1 है और दोस्तों BCA की नथिंग है। 3 पोस्ट है स्टोर कीपर की, जनरल की 3 है दोस्तों, ये पोस्ट ग्रेजुएट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 11 पोस्ट है अकाउंट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क की 11 पोस्ट है, इसमें कॉमर्स ग्रेजुएट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, सम गवर्नमेंट ऑफिस या केमिकल कंज्यूम या कैंडिडेट नोविंग टाइपिंग विल बी परफेक्ट। 14 पोस्ट है असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की, इसमें दोस्तों मैट्रिक और इट्स 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्टशिप फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। 11 पोस्ट है असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, जनरल की 2 80 की 3, BCA की 3, BCB की 3 और जनरल ESM की 1, ESM BCB की 1, टोटल है 11 पोस्ट। डिप्लोमा होना चाहिए जो असिस्टेंटशिप का है, आप असिस्टेंटशिप से ज़्यादा जानेंगे, और नॉलेज होना चाहिए हिंदी और संस्कृत का। तो दोस्तों ये पोस्ट थी, शुल्क देखिएगा कैटेगरी नंबर 14, 15, 17 और 22, 24, 27, 31, 33 और 34 का है, पुरुषों के लिए यानी जनरल कैटेगरी वालों के लिए 150
और जनरल कैटेगरी वाली जो केवल इसार की महिला है, इस सॉरी हरियाणा की महिला है, हरियाणा की जो महिला है जनरल कैटेगरी की है, सिर्फ हरियाणा की है, उनको 75 रुपये, और दूसरे राज्य की जो महिला है उसे 150 रुपये कटाना पड़ेगा। केवल हरियाणा राज्य के जो एससी और बीसी के हैं, केवल हरियाणा राज्य के एससी और बीसी हैं, पुरुष के 35, महिला के 18, कैटेगरी नंबर 1, 13, 16, 23, 25, 26, 28, 30 और 32 के जनरल के 100 रुपये, और जो महिला है हरियाणा की उनके 50, और एससी और बीसी के 25 और 13। एक्स सर्विस मैन ऑफ हरियाणा कोई शुल्क नहीं है। ये देखिए दोस्तों, पुराना विज्ञापन भी इसे रीएडवर्टाइज कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। रीएडवर्टाइज कुछ पोस्ट इसमें किया, कुछ नई वैकेंसीज भी इसमें अप्लाई की गई है, डाली गई है, ये आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पर पत्र बनने तो प्रक्रिया, और दोस्तों इसके लिए लिखित परीक्षा होगी। 10 इसमें 10 नंबर जो सामाजिक आर्थिक मापदंड है उन के आधार पर होंगे। 90 अंक रिटर्न एग्जाम के तौर पर दिया जाएंगे, 90 अंक रिटर्न एग्जाम के तौर पर किए जाएंगे, रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर ही, यानी 90 प्लस 10 इक्वल टू 100, 100 के आधार पर ही आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल लिस्ट बनेगी, कोई किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। और दोस्तों हरियाणा में आपको पता है कि 25% हरियाणा संस्कृति के रिगार्डिंग, हरियाणा जीके के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, और 75% जो मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो जितने भी सब्जेक्ट रह जाते हैं, रीजनिंग वगैरह कुछ भी, उनमें से प्रश्न आते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका तुरंत जवाब दूंगा। ये देखिए दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में ये खबर छपी है, आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों ये खबर छपी है, लेकिन एचएससी की साइट पर अभी पेंडिंग में है। आते हैं दोस्तों, सबसे पहले अवगत करा देंगे। और दोस्तों आवेदन करने की स्टार्टिंग डेट है 8 मार्च, और जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 8 अप्रैल। तो दोस्तों अगर आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप योग्यता रखते हैं, तो ज़रूर आवेदन करें। और दोस्तों इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास और अपने साथियों के पास ज़रूर भेजें, ताकि वे आवेदन कर सकें। दोस्तों ऐसा मौका कभी कभी आता है, तो दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यूथ इंडियन हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।